हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई हमें लव वाइब्रेशन भेजता है तो हमें कैसा फील होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने देखा है कि अगर कोई इंसान आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो आप उस समय क्या कर रहे होते हैं, कैसे सोच रहे होते हैं, कैसा फील कर रहे होते हैं? तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके मन के अंदर बार बार एक ही इंसान का ख्याल आते रहना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो आपके मन के अंदर बार बार एक ही इंसान का ख्याल आते रहना। आपका मन बार बार खींच के आपको उस इंसान की यादों में ले जाता है, आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, फिर भी बार बार आपके मन में उसी की बातें याद आती रहती हैं। आप हो सकता है उससे बात ना कर रहे हो, फिर भी एक ही इंसान का ख्याल बार बार क्यों आ जाता है, और बहुत ज्यादा आप उस इंसान के बारे में सोचने लग जाते हो। और सोचते सिर्फ आप बातों को नहीं हो, सिर्फ आप उन मेमोरीज को याद करते हो, उन अच्छे मोमेंट्स को याद करते हो जिस समय आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया होता है। वो एक ऐसी स्ट्रांग फीलिंग होती है ना, जो आपके मन के अंदर ये इच्छा जगाती है कि आपकी भी लाइफ में अभी इस वक्त बेसिक है, आपकी भी लाइफ में ये चीजों की कमी है, जो आपको ये फीलिंग दिलाती है कि कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में खालीपन है। ये चीजें नहीं है तो आप ऐसा फील कर रहे हो तो समझ जाइए कि कोई इंसान आपको अपनी लव वाइब्रेशन भेज रहा है, वो आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है, वो आपको याद कर रहा है। तो आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो क्या होता है, आपको कभी गुस्सा भी आने लग जाता है कि काम के वक्त में ये ख्याल मुझे क्यों आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट बताता है कि आपके मन के अंदर आपको खुद पर गुस्सा भी आने लग जाता है कि इस समय इस काम के वक्त में ये सारे ख्याल मुझे क्यों आ रहे हैं, इन ख्यालों का कोई मतलब नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं सोचना तक नहीं चाहता। आप नोटिस करोगे फिर भी ये ख्याल मुझे क्यों आ रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि मेरा मन क्यों काम में नहीं लगता, मैं अपने कामों को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरा मन उस इंसान के पास बार बार खींचा चला जा रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही है। तो समझ जाइए कि कोई ना कोई पर्सन आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको गुस्सा फील हो रहा है, आपको गुस्सा आने लग जाता है, और काम के वक्त में आपको ये ख्याल आ रहे हैं। तभी जब कोई इंसान आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है, कोई पर्सन आपका पार्टनर, सामने वाला इंसान, आप जिसे जानते हैं, वो इंसान आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है, यूनिवर्स पावर से आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है। यूनिवर्स पावर क्या होती है, इस पर मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाए हैं, आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं कि यूनिवर्स पावर क्या होती है, कि क्यों हमारे माइंड में अचानक से इस तरह की एक्टिविटी होती है, क्यों हम अचानक से फील करने लग जाते हैं उस इंसान के बारे में। ऐसी सारी बहुत सी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि लव वाइब्रेशन कोई भेजता है तो क्या होता है। तो इस पॉइंट की वजह से भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है। तीसरा पॉइंट है, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो क्या होता है, आप रात को सोने जाते हो तो आपको बहुत सैड फील होता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और ये किस वजह से होता है, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है, अगर आप रात को सोने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, ऐसा लव वाइब्रेशन की वजह से होता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो हो सकता है सिर्फ आप उदास ना हो, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है कि आपके आंसू भी निकल जाएं, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करने लग जाओगे और आप रोने भी लगोगे। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि उस वक्त वो सामने वाला इंसान आपको अपनी लव वाइब्रेशन भेज रहा होता है, और इसी वजह से आप उसकी लव वाइब्रेशन रिसीव कर लेते हो, अपना लेते हो, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें फील करते हो। जब भी हम किसी भी इंसान को लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो क्या होता है कि हमारे भेजने के समय में हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, ये आंसू हमें ये साइन बताते हैं कि इस समय उस पर्सन ने उसी मोमेंट पर उस लव वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, वो लव वाइब्रेशन एनर्जी उस इंसान के पास में पहुँच गई है, जिसका कन्फर्मेशन हमारे आंसू देते हैं, और ये इस वक्त उस पर्सन के पास जा रही है, वो फील कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, उसके दिल को वो टच कर रही है, जिस कारण आप इमोशनल फील कर रहे हो।
दोस्तों अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहो वो उसे दिल से अपना ले तो आप कैसे खुश हो जाते हो। बस एग्जैक्टली ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो हमारे आंसू के रूप में बाहर आ जाती हैं और इस वजह से आपको फील होता है हमारे आंसू आ रहे हैं। और कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि हम तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे आंसू क्यों आ जाते हैं। हमारी तो कोई विश भी नहीं है अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना, पर इस टेक्निक को डन करते समय हमारे आंसू क्यों आ जाते हैं। तो सिंपल सा जवाब है, आप ध्यान से समझना, आपने अपनी कोई चीज किसी को दी और उसने एक्सेप्ट कर ली, बस इसी वजह से आपके आंसू आ जाते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब कोई इंसान आपकी दी हुई चीज आप दिल से देते हैं और वो इंसान दिल से अपना लेता है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, इस वजह से भी आपको आंसू आ जाते हैं, इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और जब कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो भी यही फीलिंग होती है, आपके आंसू आ जाते हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर होने लगती है, आपके माइंड में इस तरह की क्लिक एक्टिविटी होने लगती है, आपका माइंड उस इंसान को सोचने लगता है, वो इंसान यूनिवर्स के माध्यम से आपको ऐसी एनर्जी भेज रहा होता है जो आपके दिल तक आती है और आप कोई काम कर रहे होते हैं उस समय आपको उसकी याद आने लगती है, उसके बारे में आप सोचने लग जाते हो, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर वो इंसान आपको अपनी लव वाइब्रेशन भेज रहा होता है, मतलब कि वो आपको उस समय याद कर रहा होता है, तभी ये फीलिंग आपके अंदर भी आने लगती है। तो इन तीनों पॉइंट को आप समझ लीजिए कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इनमें अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। इनमें अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं मिलता, अगली वीडियो में थैंक यू।